अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भाई का लाल रोस्टिंग वीडियो इतनी पसंद आ जाएगी। मैंने कल पोल करवाया यूट्यूब पे, मैंने पूछा भाई व्लॉग चाहिए, लाल रोस्टिंग वीडियो चाहिए या फिर तुम्हें हॉरर गेम प्ले चाहिए। सारों ने कहा भाईजान लाल रोस्टिंग वीडियो, लाल रोस्टिंग वीडियो। तो भाई लेके आ गए हैं तुम्हारे लिए लाल रोस्टिंग वीडियो। अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये तीन कंटेंट क्रिएटर जिन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनकी वीडियोज़ मैं डेली खुद भी देखता हूँ। तो अब कई दफ़ा ना ये कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए, तो आज वही हरकतें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और अगर आप फिर भी दिल से इनके फ़ैन हो तो यार आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आप खुद भी उसे एग्री करोगे अगर आप एक पैट लवर हो तो। यार उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ लग गई होगी। और अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंटेंट क्रिएटर जिनका नाम है तला गोरी व्लॉग। तो यार ये वो बंदा है जिसको मैं खुद 3 साल से देख रहा था, लेकिन अब मैंने इन्हें देखना छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें वजह बताता हूँ क्यों। तो यार हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा तो इन्होंने कुत्ते लड़ाने हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इनका कॉन्टेंट उसके अलावा कुछ होगा, क्योंकि मैं इन्हें देख रहा हूँ 3 साल से और इन्होंने जितने कुत्ते 3 साल में लड़ा दिए ना, मैंने सारी ज़िंदगी किसी के नहीं इतने कुत्ते लड़ते हुए देखे होंगे। तो यार हमने भी इतने कुत्ते रखे हुए हैं, हमारा तो आज तक कोई कुत्ता नहीं लड़ा। और अगर तुमने देखना है कि हमने कुत्ते कहाँ रखे हुए हैं तो नीचे कमेंट करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। प्रॉपर कैनल बना हुआ है हमारे डॉग्स के लिए। तो यार अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि इनकी एक बकरी से बच्चे नहीं दिए जा रहे थे, तो इन्होंने उसका पेट काटा और उसके बच्चे निकाल लिए। तो पहले तो मुझे अफसोस हुआ कि यार बकरी मर गई, लेकिन मैंने कहा फिर भी यार बकरी की जगह उसके 2 बच्चे बच गए। मैं बड़ा खुश हुआ कि दोनों बच्चे बच गए हैं। अगले दिन ही व्लॉग आ जाता कि भाई दे बोथ आर एक्सपायर्ड। तो यार आप कई लोग कहेंगे कि भाई उसका पेट काट के निकाले थे तो उन्होंने किधर बचना था ये वो। तो यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर आप एक बच्चे को उसकी माँ के अलावा किसी भी चीज़ का दूध पिला रहे हो ना, तो उस दूध में पानी मिलाना होता है। अब वो दोनों इसलिए मरे कि इन्होंने उसे खालिस दूध पिला दिया किसी दूसरी बकरी का। डॉग्स को छोड़ो, बकरी के बच्चे को छोड़ो, आ जाते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स पे। चलो वो तो इंसान से गलती हो गई ना, उन्होंने दूध पिला दिया खालिस तो वो मर गए। तो अब आ जाते हैं हम वाइल्ड एनिमल पे। तो आज का व्लॉग है कि इनके पास कोई रीच वाला बंदा आया कि भाई मेरी वीडियो बनाओ, और ये उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं। भाई लोगों में अवेयरनेस पैदा करो कि ये एक वाइल्ड एनिमल है, इसको वाइल्ड में रहने दो। तुम वीडियो बना के प्रमोट कर रहे हो कि भाई ये देखो ये ऐसे डांस करता है, ऐसे ये रीच का एक पंजा देख रहे हो, ये इस बच्चे को आधा आधा कर सकता है, ये एक पंजा इसका। भाई वो उसकी शराफत है, वो इस डंडे से डर रहा है, उसे पता नहीं है अपनी पावर का। उसे अपनी पावर का पता लग जाए ना तो ये डंडा छोड़ो, उसके सामने एक शॉटगन भी कुछ नहीं है। तो यार वाइल्ड एनिमल्स की बात चल रही है तो आप इस शेर के बच्चे को तो जानते ही होंगे जिसको एक जंगली कुत्ते की तरह ट्रीट किया जा रहा था। तो 2 से 3 महीने पहले तुराब भाई इसको घर लेके आए थे और सीधा लेके जाके इसको बाथरूम में बंद कर दिया था। यार शेर भी लाइक मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। तो यार ये देखो कितना प्यारा केज बनवाया ना शेर के लिए, यकीन करो हमारे कुत्तों का केज ना इससे ज्यादा प्यारा होगा और साफ भी होगा। यार एक तो मुझे पाकिस्तानी आवाम की समझ नहीं लगती, अगर तुम कोई चीज रख रहे हो तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा, क्या चला जाएगा। अब कई लोग कहेंगे भाई बातें करना ज्यादा आसान होती है, रखना मुश्किल होता है, जो रखता है उसे पता होता है। तो भाई मैंने भी शेर का बच्चा रखा हुआ है, आप ये तस्वीरें देख लो। अब कई लोग कहते हैं ये एडिट है, ये एडिट है, तो यार मेरी वीडियोज भी है, अगर मिल गई तो वो भी अटैच कर दूंगा। ये शेर का बच्चा 1 हफ्ता हमारे पास रहा था और इसकी सेम एज है जो शेर का बच्चा इनके पास है, और 1 हफ्ता ये चारपाई से नीचे नहीं उतरा था। अगर इसे कहीं लेके जाना होता था ना बाहर घुमाने शुमाने, तो चारपाई उठा के लेके जाके बाहर रखते थे फिर ये नीचे उतरता था, या गाड़ी में बिठाना होता था तो चारपाई लेके जाते थे। इसको इतना हमने रिलैक्स रखा हुआ था, हम उसको कुत्तों की तरह खींचते नहीं थे। भाई वो शेर है, उसकी मर्जी है, वो बैठा रहना चाहता है उसे बैठे रहने दो, उसने जो काम करना होगा वो अपनी मर्जी से करेगा। और मैंने ये चारपाई वाली बात इसीलिए बताई है क्योंकि इनका मैंने देखा था एक ब्लॉग जिसमें इनका शेर चारपाई पे चढ़ गया था और इन्होंने कहा वो नीचे उतारो नीचे उतारो, हमारी चारपाई खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ब्रो जब आप इतनी महंगी चीज रख रहे हो ना तो उसके नखरे भी उठाओ। तो चलो यार वो तो वाइल्ड एनिमल था, हर किसी से नहीं संभाला जाता। अब भाई आप जो चीज ला रहे हो उसका ख्याल तो रखो। अब ये बकरी लेके आए, 2 महीने बाद इनकी बकरी ने बच्चे दिए और तकरीबन 30 दिन बाद वो बकरी अपने बच्चों के साथ बैठे बैठे वो बकरी मर गई। इन्होंने बहाना बनाया कि भाई उसने दाना खा लिया था, ऊपर से सर्दी है, ये हो गया वो हो गया। तो सीधी बात है ब्रो, केयर करो तो कोई चीज़ नहीं मरती। अब मैंने भी बकरी रखी हुई है, वो भी दाना खाती है, मेरी मुर्गियों का इतना इतना दाना खा देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी केयर करते हैं, हमें पता उसे कितना खिलाना है कितना नहीं खिलाना, कैसे खिलाना कब खिलाना है। मैं पेट्स और एनिमल्स पे व्लॉग इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि जब आप एक चीज़ रखते हो ना तो उसको टाइम देना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, और मेरे पास टाइम नहीं होता इतना कि मैं उनको टाइम प्रॉपर दे सकूँ और उनकी प्रॉपर केयर कर सकूँ। तो मेरे से जितना होता है मैं उतना करता हूँ। जैसे मैंने पीका रखा हुआ है तो पीका की मैं प्रॉपर डाइट का ख्याल रखता हूँ, उसे टाइम
टाइम देता हूँ। तो यार अगर बकरी मर भी गई है तो उसके बच्चों की तो केयर कर लो। 10 दिन बाद इनका एक बच्चा मरा है और फिर 5 दिन बाद दूसरा भी एक्सपायर हो गया। तो ज्यादा पीछे नहीं जाते, आजकल की बात ही कर लेते हैं। तो ये लेकर आए थे 12 रिंगनेक के बच्चे, जिनमें से आज इनके 3 मर गए हैं। अब मैं तुम्हें उसकी वजह बताता हूँ क्यों मरे हैं। तो यार पहली तो ये जो फीड करवाते हैं ना, वो फीड बहुत ज्यादा पतली होती है, तुम कह लो एक तरह का पानी होता है, वो फीड नहीं होती। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इन्होंने फीड का पाइप उसके पोटे की जगह उसकी सांस की नाली में डाल दिया, जिससे उसका सांस बंद हो गया और वो मर गया। अब कई लोग कहेंगे भाई तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो ये वो, तो यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि जब तक आप एक्सपीरियंस ही ना एक चीज़ का करते हैं, आप उस चीज़ को ना रखो। मैंने भाईजान पूरी रिसर्च की हुई है कि तोते के बच्चे को कैसे रखना, क्या करना और क्या नहीं करना और किस तरह उसको फीड करवानी है, इसलिए मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि पाइप उसकी सांस की नाली में डाल देते हैं और तोता मर जाता है। आ जाके बात फिर उधर ही आ जाती है कि अगर आप एक चीज़ को टाइम नहीं दे सकते तो उस चीज़ को ना रखो, क्योंकि ये इनको जल्दी जल्दी फीड करवाते हैं और ये पोटे की जगह सांस की नाली में डाल देते हैं पाइप और तोते एक्सपायर हो जाते हैं इनके। तो कहाँ गए बाकी, कहाँ गए वे, ये तो कम लग रहे थे, कम है यार, कम है, टोटल 13 थे, ये तो कम लग रहे हैं मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ये, बाकी 4, 5 कहाँ है मुझे नहीं पता। ओ भाई देखो बाहर तो नहीं है जंगली वगैरह। तुम्हें कह तो रहा था रात को यार शिफ्ट कर लो कर लो। नहीं भाई मिनी जू में भी खतरा है, अब देखा है कम हो गए। कोई नहीं, 5 चूजे ही तो थे, खैर है दोबारा निकल आएंगे, दोबारा आ जाएंगे। अगर इनके आज के व्लॉग में इनके तोते ना मरते तो आज का इनका टाइटल मैं बताता हूँ तुम्हें कि चूजे गायब हो गए हमारे, चूजे बिल्ली खा गई हमारे, ये इनका टाइटल होना था आज के व्लॉग का। आज आके बात फिर उधर ही आ जाती है कि अगर आप एक चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे तो यार उसे ना रखो। तो यार चूजे गायब हो जाते हैं, बाद में आप भाई को ये कह देते हो कि यार तुम्हें कहा था रात को आज जो चूजे उधर रख दें। भाई चूजे हैं, डायनासोर के बच्चे नहीं हैं कि तुम्हारा भाई नहीं आएगा तो तुम उनको नहीं लेके जा सकते दूसरी जगह। तो यार मैं बताने को हूँ तो इन्होंने इतने जानवर मार दिए ना अभी तक कि मैं ना काउंट करवाना शुरू हुआ तो तकरीबन 10-15 मिनट तो ऐसे ही गुजर जाने हैं। तो उनको भी छोड़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने तीसरे बंदे की तरफ जिनका नाम है इंजी और इब्राहिम। तो यार ये वो वाहिद बंदा है इस कम्युनिटी में जिससे मैं खुश हूँ। यकीन करो ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि एनिमल्स को ऐसे रखते हैं, पेट्स को ऐसे रखते हैं। भाई पहले ये प्रॉपर सेटअप बनाते हैं, उसके बाद कोई जानवर या कोई चीज़ लेके आते हैं, और आज तक इनका कोई जानवर मरा नहीं है। अगर कोई मरा भी है ना तो वो भी बीमारी से मरा, और ये प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं उनका प्रॉपर दवाइयों से, ये नहीं अपने देसी टोटके लगा रहे हैं ये वो कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा साफ़ और खूबसूरत सेटअप भी इन्हीं का, और सेटअप बनाना बात नहीं होती, सेटअप को मेंटेन रखना, साफ़ रखना और उसको खूबसूरत उसी तरह रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि लोग इनको देखते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे कॉन्टेंट बना रहे हैं पेट्स एंड एनिमल्स का, और वो भी ऐसे ही चवलियाँ मार रहे होते हैं कि आज हमारा ये मर गया वो मर गया। अब सारी आवाम ऐसे नहीं करती, कई आवाम अच्छा भी बना रही है और कई आवाम ये वाले काम भी कर रही है, लेकिन मैं सारों से यही कहना चाहूँगा कि यार अगर कोई चीज़ वीडियो बनाने के लिए लेके आ रहे हो ना तो उसका ध्यान रखो। मुझे पता वीडियो छोटी सी थी, मैं बस इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहता था कि अगर तुम कोई पेट ला रहे हो रख रहे हो तो उसका ध्यान रखो, बस उसे केयर करो और वो टाइम जो उसको मांगता है उसको वो टाइम दो। अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो और तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं ना किया तो यार ये गलत बात है, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। La 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 la